Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of CT scan shoulder joint. तो सबसे पहले तो हम स्कैन का टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑलवेज जो भी MS के रहते हैं उसको 1 mm में ही स्कैन लेना होगा, क्योंकि 1 mm में लेते हो तो ही इसका रिकॉन क्वालिटी अच्छा आएगा, जैसे कि MPR अच्छा आएगा, 3D अच्छा आएगा. 0.5 में लिया तो भी अच्छा ही है और अच्छा आएगा उसमें, बट 1 mm इज इनफ. ओके, सपोज आपका 4 slice मशीन है तो 4 slice में भी आपको ऑप्शन है 1 mm का, आप ले सकते हो. मेरा तो यहाँ पे 16 है, कि उससे हायर सिस्टम में जाओगे तो और अच्छा क्वालिटी आने ही वाला है. ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 mm स्कैन लिया है. रिकॉन में उसका स्पेसिंग मैंने 0.5 कर दिया तो करीबन 300 इमेज जैसा जनरेट हुआ है. तो आपको फिल्म में बोनी विंडो देना होगा. उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेनी आपको कर देना, फिल्टर्स, ग्रेनी फिल्टर्स डाल के एक रिकॉन करना और एक स्मूथ फिल्टर डालना उसके अंदर आपको ये 3D वगैरह बनाने के लिए. ओके, अभी मैं आपको ये एक ही फिल्टर में दोनों फिल्म शो करने जा रहा हूँ. ये थोड़ा जितना भी थोड़ा कचरा है वो आप थोड़ा उसको निकाल देना, कोई इश्यू नहीं है. मैं सिर्फ आपको बताने के लिए पूरा वीडियो शो कर रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले बहुत ही मतलब कम टाइम में मैं आपको शो कर दूंगा. मैंने यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू एक ही रिकॉन किया है, उसमें दोनों 3D और MPR दोनों इसमें ही मैं आपको शो करता हूँ. ठीक है, तो ये 450 इमेज है, इसको सिलेक्ट करके आपको जाना होगा. वॉल्यूम रेंडरिंग में चले जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, रिसाइज करता हूँ. अभी एक मिनट, आपको नई तरीके से बता रहा हूँ. तो इसमें क्या है, एंगल देना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ये जो अभी कोरोनल का ये जो एंगल है यही एंगल देके फिल्म बना देते हैं. अरे भैया ऐसा मत दो, थोड़ा स्ट्रेट वगैरह करो, क्योंकि जो फिल्म देखता है उसको भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए. ओके, तो वो आपको टेक्निक में बता रहा हूँ कि आपको कोरोनल और सजाइडल का कैसे ऑब्लिक करके कैसे आपको शो करना है. देखो एक्जेल तो ये तो ट्रू एक्जेल ही है, ये तो ऐसे ही डाल देना है. अभी स्कैन टेक्निक क्या रहेगी कि आपको यहाँ से पूरा AC जॉइंट कवर करना होगा. और स्कैन में दूसरा क्या एक चीज लोग भूल जाते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट ग्रीन नॉट खत्म होता है ना तब तक उतना ही स्कैन लेते हैं, ऐसा मत करना. आपको पूरा स्कैपुला कवर करना होगा, 100% लेना है. शोल्डर जॉइंट करते हैं ये क्लेविकल के लिए, AC जॉइंट के लिए, फिर ये हमारा यूमरल हेड है, फिर यूमरस, फिर ये हमारा ग्लेनॉइड आ गया, फिर ये कनेक्शन ये नीचे तक यहाँ तक ये स्कैपुला एंड हुआ है. स्कैपुला या स्कैपुला पूरा कवर करना ही है आपको. शोल्डर जॉइंट ऑलवेज AC जॉइंट से लेके पूरा स्कैपुला लेना है, पूरा इतना आना ही चाहिए शोल्डर में. वो सबसे पहले स्कैन में आपको ध्यान रखना होगा. ओके, अभी देखो ये मेरा ट्रू जो जैसे स्कैन लिया है ना ये ऐसे ऑब्लिक आया है. तो लोग क्या करते हैं कि इसको ही फिल्म में डाल देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है. दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट टू गिव अ प्रॉपर फिल्म. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक्जेल तो ये जो है एक्जेल वाला, तो एक्जेल को आपको क्या करना होगा कि ये AC जॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके थोड़ा ऊपर से ही लेना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी चिप एवल्जन फ्रैक्चर रहता है. तो ये कट टू कट यहाँ से लिया तो भी चलेगा, हवा में से लिया थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू यहाँ से तो भी चलेगा. यहाँ से फिल्म में जाते हैं, हम पहले फिल्म लेते हैं एक्जेल, उसका फॉर्मेट रहेगा 30. तो यहाँ से फिल्म से मैं गया, ये वाला बैच मैं ऑलवेज लूप करता हूँ. मैं कभी लूप करके क्या है कि स्टार्टिंग में तुरंत ही फिल्मर में मैं डाल देता हूँ. यहाँ से स्टार्ट लेना है तो यहाँ से सेट स्टार्ट. ओके, ये सेट स्टार्ट यहाँ से किया है मैंने, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने. अभी ये साइड से इसको पकड़ के लेके जाना है एंड तक, जहाँ पे आपको एंड करना है. अभी एंड आपको ऑब्वियस है कि यहाँ तक
स्कैपुला एंड हुआ है तो यहाँ तक एंड करना है, थोड़ा नीचे से लेना, यहाँ पर सेट एंड कर दो। यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस मैंने डाल दी 29 और यहाँ से आउटपुट मैं करता हूँ फिल्मर। ओके, तो मैंने यहाँ पे 30 का फॉर्मेट यहाँ पे लिया है, 5 6 30, यहाँ से ओके करूँगा तो डायरेक्ट इमेजेस इसमें घुस जाएगा। ओके, एक इमेज आपको स्कैनो दे देना होगा। अभी इसको जूम कैसे करना है, सबसे पहले पूरा सिलेक्ट कर दो, पूरा जूम कर दो, पहले वाला इतना स्टार्टिंग का इमेज है यहाँ तक, इसको देखो सॉफ्ट टिश्यू थोड़ा कट जाएगा तो कोई इशू नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू का आपने कोई इशू नहीं, आप सिर्फ देखना है बोन, तो इसको इतना जूम करना होगा। कभी कभी देख लेना कि रिब्स में भी कुछ गड़बड़ रहती है, ये हमारा क्लेविकुलर ज्वाइंट दिखना चाहिए, तो थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ मैं। ओके, ये यहाँ पे ये ज्वाइंट दिखना चाहिए और ये हमारा ये क्लेविकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो दिखना ही चाहिए, इतना जूम करना है। फिर अभी ये नीचे वाला इमेज देखते हैं, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा अलग से सिलेक्ट करके आपको थोड़ा सेटिंग करना होगा कि हमारा यूमरस कट नहीं जाए। ओके, थोड़ा थोड़ा ऐसा अलग से करना होगा, बट ये सब सेम रहने देना। यहाँ पे अभी एक हमारा स्कैनो का इमेज डाल देते हैं, इसको भी क्या है कि आपको स्ट्रेट करना होगा, यहाँ से डिस्प्ले में जाना, ये वाला रोटेट का ऑप्शन लेना होगा, यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट कर दो, इसको ऑब्लिक करने के बाद ही रोटेट होगा, ऑब्लिक जरूर करना। इसको रोटेट कर दिया, ऐसे स्ट्रेट कोरोनल इमेज ऑलवेज ऐसे स्ट्रेट करके ही देना होगा। इसका मैं बताता हूँ, पहले एक्सेल कर देते हैं, ये तो स्कैनो के लिए मैं सिर्फ एक इमेज स्कैनो इमेज दे देता हूँ, यहाँ से 30 इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे, तो उसको लगेगा कैसे स्टार्ट और एंड सही है। F1 करके डाल देना यहाँ पे, तो आ गया। ठीक है, तो एक हमारा ये 30 वाला फॉर्मेट हो गया हमारा एक्सेल, ये जूम ऐसे देखना है। अभी हमको बनाना है सैज और कोरोनल। अभी देखो ये जो सैज ऐसा है ना टेढ़ा, ऐसा मत देना कभी भी। सबसे पहले आपको सजाइटल को, जब हम बोन लॉस वाला स्कैन करते हैं ना, ग्लिनोइड बोन लॉस वाला, उसमें यहाँ पे हमारा ये जो ग्लिनोइड है वो परफेक्ट से उसका एंगल दिखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने कैसे इसको रोटेट करके बनाया है। ये वाला इमेज आपको चाहिए, ग्लिनोइड ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही मेजरमेंट करते हैं बोन लॉस का। ठीक है, देखो जूम करके बता रहा हूँ, ये वाला एंगल आपका आएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका स्कैन, जैसे हम MRI में करते हैं ना, उसमें ऐसा ही स्ट्रेट आता है और ग्लिनोइड ऐसा दिखता है, तो CT में भी ऐसा ही देना होगा आपको। सबसे पहले ये आपको दिख जाएगा ना, फिर आपका सब इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको इसको कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले शो कर देता हूँ। देखो अभी ये हमारा ट्रू सैज आया है, जैसे हमने स्कैन लिया है वो ही मैंने लोड किया है। अभी देखो इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, ग्लिनोइड ऐसे दिख रहा है, तो ये ऐसे कैसे आप फिल्म में दोगे, ये अच्छा नहीं लगेगा यार ऐसा। ये भी ये इसका ये हेड देखो, इसका ये ह्यूमरस देखो, ऐसा ऑब्लिक है, कितना गंदा दिखता है, ये नहीं लगता है कि अच्छा टेक्नीशियन का काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे सजाइटल से हम इसको करेंगे ऑब्लिक, फिर आपको थोड़ा इसको सेटिंग करना होगा यहाँ से, ये विंडो पकड़ के ग्लिनोइड का एंगल आपको देना होगा। देखो इसको मैंने थोड़ा ये किया, देखो अभी ग्लिनोइड का एंगल आ गया है। ओके, देखो ये मैंने एंगल ऑब्लिक करके बना दिया। ठीक है, ये एंगल दिखना चाहिए। सबसे पहले एक्सेल कर देना, उसके बाद सैज को ऐसा करके ऑब्लिक बना देना। अभी देखो ये पूरा स्कैपुला आ गया, ये हमारा क्लेविकल आ गया। ओके, ये ग्लिनोइड ऐसा दिखना ही चाहिए, ऐसा ही फिल्म देना होगा ऑलवेज। ये एंगल एक बार आ जाएगा ना, फिर आपका फिल्म इजी हो जाएगा। अभी देखो ये पूरा ऐसा हो गया, वो एंगल देना मैं, या यूमरस टेढ़ा हो गया। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में जाना, आप यहां से ये रोटेट वाला ऑप्शन लेना,
इसको स्ट्रेट कर दो, रोटेट क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, ओके ये स्ट्रेट हो गया। अभी देखो हो गया ना फिल्मिंग। सैज वाला ऑलवेज ये ही देना है। देखो मेरा ये टेक्निक है, फिर आपकी मर्जी के ऊपर है, मैं तो ऐसे ही देता हूँ फिल्म ऑलवेज। बहुत ही इजीली एनाटॉमी दिखता है। अभी यहाँ से आपको सैज स्टार्ट कर देना, फिल्म सर्व में जाओ, बैच क्रिएट करना है, लूप सैज स्टार्ट, ओके तो यहाँ से आपको सैज स्टार्ट कर देना है। फिर आपको इसको पकड़ के, एक मिनट ये ऊपर चला गया, इसको पकड़ के आपको यहाँ तक पूरा, जहाँ तक स्कैपुला एंड हो रहा है ना, पूरा इतना सेट एंड वहाँ पे कर देना, बस इतना चलेगा, सेट एंड कर दो। यहाँ से अभी इसको स्टोर कर देना, ज़्यादा इमेज बना रहा हूँ मैं, 40 इमेजेस कर देता हूँ। इसको अभी स्टोर करता हूँ, फिर मैं उसको वहाँ से व्यूअर में से उसको फिल्म में एडजस्ट करूँगा। अभी देखो, अभी अपना सजाइटल हो गया है, तो कोरोनल आपको कैसे जनरेट करना होगा, इसके ऊपर आपको ऑब्लिक ये प्लान कर देना है। बहुत इजीली कोरोनल बन जाएगा। अभी देखो इसको अभी राइट टू लेफ्ट, मीडियल टू लेटरल ऐसा हो जाएगा। इसको भी हम 40 इमेजेस करता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अभी फिल्म में डायरेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे बाद में सेटिंग करना है। इसके लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्लेविकल भी कवर करना है, बट ये वाला साइज के ऊपर ही आपको करना होगा। तो आपको क्या है, ये जो हमारा यूमरस है ना, उसका एंगल आपको देना है। उससे क्या होगा कि आपका कोरोनल का भी अच्छा इमेज जनरेट हो जाएगा। अभी इसको सेव कर रहा हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि कैसे दिख रहा है वो। व्यूअर में जाते हैं, मैंने जो सेव किया है ये वाला साइज वाला इमेज, ये कोरोनल वाला, देखो ये कोरोनल, ऐसे कोरोनल फिल्म में देना है। वो जो आया था वो मत देना, वो अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा टेक्नीशियन ऐसा कभी काम करते नहीं है। देखो ये वाला ऐसे सैज को आप रोटेट करके बनाओगे, फिर इसको ऐसे प्लानिंग कर देना, ठीक है। फिर इसको फिल्मर में आपको 20 के फॉर्मेट में सजाइडल को डाल देना, 20 के फॉर्मेट में कोरोनल को आपको डाल देना है, ठीक है। इसको मैं 1x1 पकड़ के एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने 40 इमेज बनाई है। फ्रैक्चर सबसे पहले देख लेना कि कहाँ पे है। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मेट कर रहा हूँ, 5x4 का फॉर्मेट लेता हूँ, क्योंकि सैज को लंबा इमेज है ना, तो उसको 5x4 करना, 4x5 में अच्छा नहीं लगेगा। स्कैनो देना हो तो दे देना, मैं तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी दे देना स्कैनो, अच्छा लगेगा। देखो अभी ये हमारा सजाइटल का, हमारा साइज का फिल्मिंग हो गया, ओके सजाइटल ऐसा दिखेगा। अभी कोरोनल का 5x4 का फॉर्मेट ले लेना, सॉरी 4x5 का ले लेना उसको, वो क्या ऐसा स्क्वायर में वो कोरोनल अच्छा दिखेगा। इसको भी हम ऐसा ही करते हैं। पैथोलॉजी देख लेना कि फ्रैक्चर क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर आपको फिल्मिंग देना है। ऐसा नहीं हो कि फ्रैक्चर आपने मिस कर दिया, फिल्म में दिया ही नहीं। ये हमारा कोरोनल हो गया, स्कैनो दे देना, मैंने अभी नहीं दिया है बट स्कैनो आप दे देना, ठीक है। 20 का फॉर्मेट में कोरोनल, 20 का फॉर्मेट में सैज, 30 के फॉर्मेट में एक्सजेल, ओके ऐसी तीन फिल्म हो गई। अभी लास्ट वाला जो है उसको हम करते हैं 3D, 3x4 के फॉर्मेट में, सिर्फ 12 इमेज में देता हूँ। इसको मैं यहाँ से वॉल्यूम रेंडरिंग में ले रहा हूँ, 3D, वहां से आप VR कर दोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। 3D में आपको क्या करना है कि ये रिब्स वगैरह सब आपको उड़ा देना है। रिब्स आपको यहाँ से
कटिंग करना होगा, क्लेविकल रहने देना, स्कैपुला रहने देना और आपका यूमरस रहने देना है, ठीक है। बाकी यह सब कुछ निकाल दो। थोड़ा फास्ट आपको शो कर रहा हूँ, ये सब निकाल देना आप थोड़ा इधर उधर करके। एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, काम आपका ऑटोमेटिक। सब रिब्स निकाल देना आप। घुमा घुमा के आपको देखना होगा कि ये नहीं कट जाए, स्कैपुला है, क्लेविकल है। इसको ऐसे थोड़ा इधर उधर करके देख लेना। बहुत कट टू कट नहीं, यहाँ से ये कट हो जाएगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना अच्छा फ्लेम दिखने ही वाला है। इसको मैं यहाँ से पूरा निकाले देता हूँ अभी, फिर इसको ऐड बॉन कर देता हूँ यहाँ से, तो भी चलेगा। ओके, ये हमारा ऐड कर दिया मैंने। ऐड का ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, जो कट हो जाता है फिर आपको लास्ट में आपको ऐड कर देना होगा जो कुछ, सपोज कट भी गया है वो भी आपसे हो जाएगा इजीली। इसको भी जैसे कोरोनल का फिल्म दिया है वैसे ही आपको रोटेशन में सबसे पहले आपको ये इमेज देना है, फिर राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर वैसे इमेज दे देना आपको। देखो ये एक इमेज ये दिया मैंने, फिर इसको रोटेट करते जाना, F1 करके डालना होगा आपको। राइट टू लेफ्ट सिर्फ रोटेट करना है। राइट टू लेफ्ट रोटेट आपको करना होगा, राइट टू लेफ्ट 1x1 मिस नहीं हो जाए, बस स्ट्रेट करके ऐसे देना। मेरा सब जितना भी MSK है उसका टेक्निक सेम है, राइट टू लेफ्ट रोटेशन सबसे पहले, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर, फिर जो पॉजिटिव है उसको जूम करके, ऐसे मैं ऑलवेज फिल्मिंग करता हूँ। सपोज ग्लिनॉइड में फ्रैक्चर है तो ये पूरा यूमरस निकाल देना, ओनली ग्लिनॉइड शो करना, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं, ओनली ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, कुछ फ्रैक्चर नहीं है। अभी यहाँ पे हेड में फ्रैक्चर है तो ये पूरा आप निकाल देना और इसको ही शो करना होगा आपको। ओके, देखो इसको अभी मैं कट करके यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो लेते हैं ना उससे थोड़ा इमेज आपका अच्छा दिखेगा फिल्म में, उतना कट करके आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाल देना है। फिर ऐसा भी आपको एक दो इमेज दे देना तो अच्छा लगेगा। ओके, इसमें ओनली हाईलाइट हो रहा है हमारा यूमरस, पोस्टीरियर कर देता हूँ। देखो इसमें अभी आपका इसको अभी जूम इतना करना है, विंडो खाली नहीं दिखना चाहिए, उतना जूम कर देना आप, सिंगल सिंगल इमेज पकड़ के सेट कर देना। बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट मत लेना, ये फॉर्मेट अच्छा है 3x4 वाला, कम इमेज देना बट जूम दिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा कैसे दिख रहा है, ये अच्छा भी दिख रहा है। सो चार फिल्म में हो गया शोल्डर, 30 वाला फॉर्मेट एक्सजेल, 20 वाला फॉर्मेट सजाइटल, 20 फॉर्मेट
ये कोरोनल का फॉर्मेट 20 और ये 3x4 का 3D। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे शोल्डर का 3D वगैरह फिल्मिंग करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।